हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के सेकंड वर्क की। जैसे पिछले वीडियो में तो हम लोगों ने देख चुके हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे डिवाइस मैनेजमेंट करता है। आज हम लोग बात करेंगे प्रोसेस मैनेजमेंट की, कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है प्रोसेस मैनेजमेंट कैसे करता है। प्रोसेस मैनेजमेंट बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, कि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस मैनेजमेंट कैसे करता है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए प्रोसेस क्या चीज़ होती है। तो प्रोसेस क्या है? प्रोसेस किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम का, ये हालांकि पिछले वीडियो में मैंने इसको डिस्कस किया भी था, प्रोसेस को आप समझ सकते हैं कि इसको सिंपल ढंग से आप समझ सकते हैं कि इट इज़ ए पार्ट ऑफ एनी प्रोग्राम। ये एक सिंपल लैंग्वेज में, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि कोई प्रोग्राम हमारा इतना बड़ा है, इस लेंथ में है, दिस इज ए, ये क्या है, ये हमारा प्रोग्राम है, ठीक। तो इस प्रोग्राम को हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हम क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम इसको डिफरेंट पार्ट में एग्जीक्यूट कराता है डिवाइड करके। तो ये जो सेपरेट छोटे छोटे पार्ट होते हैं, मॉड्यूल होते हैं, ये कहलाते हैं प्रोसेस। तो यहाँ पे P1, P2 से P3, P4, P5, ये सब क्या है, ये प्रोसेस है, ठीक है। तो पहले तो आप ये क्लियर आपको होना चाहिए कि किसी भी प्रोग्राम के जो पार्ट होते हैं उसको हम प्रोसेस कहते हैं, ठीक। अब और ये ध्यान रखिएगा, प्रोग्राम इट इज़ ए पार्ट ऑफ एनी प्रोग्राम, ये ध्यान रखिएगा, विच इज इन रनिंग स्टेट, जो प्रोग्राम रन कर रहा है उसके डिफरेंट, उसको हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है और उन पार्ट्स को प्रोसेस बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसमें जो प्रोसेस की जहाँ तक बात आती है, तो इसमें दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या? पहला ये है कि द ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट इंश्योर दैट ईच रनिंग एप्लीकेशन ऑब्लिक प्रोसेस इज ट्रीटेड फेयरली इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसर टाइम एलोकेटेड इन ए मल्टी टास्किंग एनवायरमेंट। मतलब पहली चीज़ तो ऑपरेटिंग सिस्टम को ये ध्यान रखनी पड़ती है कि जो भी प्रोसेस रन कर रहे हैं, ठीक है, उनको प्रोसेसर का टाइम, प्रोसेसर टाइम उनको फेयरली मिले। मतलब ऐसा ना हो कि एक प्रोसेस तो ज़्यादा टाइम यूटिलाइज कर ले रहा है प्रोसेसर को, दूसरे बेचारे को टाइम ही नहीं मिल रहा, ठीक है, ये चीज़ ना हो। तो यानी कि फेयरली जो है प्रोसेसर का टाइम सारे प्रोसेसर को मिलना चाहिए। और नेक्स्ट जो चीज़ है दूसरी, वो ये कि इसको करने के साथ साथ ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि जो प्रोसेसर है वो उसका मैक्सिमम यूज़ हो, मैक्सिमली एंड एफिशिएंटली, क्योंकि प्रोसेसर का जो टाइम होता है वो बहुत कीमती होता है। तो हमको ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी मैनेज करता है कि सारे प्रोसेस को फेयरली प्रोसेसर मिले काम एग्जीक्यूट होने के लिए, और साथ ही साथ प्रोसेसर का भी ध्यान रखना पड़ता है कि उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो। तो ये दो चीज़ जो है ध्यान रखनी पड़ती है ऑपरेटिंग सिस्टम को, ठीक है। तो इसी चीज़ को अगर आप प्रोसेस, मान लीजिए ये तो हमने आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता दिया कि प्रोसेस क्या होता है। अगर टेक्निकल लैंग्वेज में आप डिफाइन करना चाहें प्रोसेस को, तो आप लिख सकते हैं कि द बेसिक यूनिट ऑफ सॉफ्टवेयर दैट द ऑपरेटिंग सिस्टम डील्स विद इन शेड्यूलिंग द वर्क डन बाय द प्रोसेसर इज आइदर ए प्रोसेस और ए थ्रेड डिपेंडिंग ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। कि कोई भी रनिंग प्रोग्राम है आपका, रनिंग प्रोग्राम, जो प्रोग्राम रन कर रहा है, तो उसकी जो भी स्मॉलेस्ट यूनिट जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम डील कर सकता है, वो स्मॉलेस्ट यूनिट कहलाती है प्रोसेस, या कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम में उसको जैसे थ्रेड भी बोलते हैं, थ्रेड, तो डिपेंडिंग ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम कि कौन सा आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं किस तरह का, तो आप उसको प्रोसेस भी बोल सकते हैं या थ्रेड भी बोल सकते हैं, ठीक। और ऑब्वियस सी बात है कि ये डिपेंड करेगा कि किस कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा है, ठीक है।
अब इसमें आगे क्या है कि देखिए, अब प्रोसेस की जहां बात करें तो जैसे मान लीजिए हम कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, कोई भी एप्लीकेशन, ठीक। हम बहुत एग्जाम सिंपल एग्जाम्पल आप लोगों को देते हैं। मान लीजिए हम एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, क्या करना है हमको, एक लेटर टाइप करना है। तो जब हम कमांड देते हैं, समझ रहे हैं आप, तो एमएस वर्ड हमारा खुल ओपन फाइल ओपन हो जाती है। तो हमें तो लगता है कि भाई केवल हमने एमएस वर्ड को कमांड दिया और वो खुल गया, लेकिन एक ही ऐप ऐसा नहीं है कि अगर आप एक एप्लीकेशन को कमांड दे रहे हैं तो केवल एक ही एप्लीकेशन ओपन होती है। इंटरनली ये होता है कि जब भी आप कमांड दे रहे हैं तो एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन ओपन होने के साथ ही साथ और भी कई कई प्रोसेस स्टार्ट होते हैं। समझ रहे हैं आप बात को। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपको बताएं कि सपोज कीजिए आपने एमएस वर्ड को आपने कमांड दिया, क्लिक किया माउस से ओपन होने को, और हमने कहा कि बाय चांस मान लीजिए उसके पहले ऑपरेटिंग सिस्टम ये चेक करेगा कि भाई एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर अभी ओपन होगा, उस पर यूजर काम करेगा तो उतना मेमोरी स्पेस है अपने कंप्यूटर में कि नहीं है, क्लियर। तो जैसे ये हो गया। सेकेंडली मान लीजिए चलिए फाइल भी खुल गई, अब कीबोर्ड से ही तो डाटा इंटर होगा ना, अगर लेटर टाइप करना है तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसी उसी टाइम ओपन करने से पहले ही चेक भी कर लेगा कि भाई इनपुट कीबोर्ड जो है, इनपुट डिवाइस रेडी है कि नहीं। तो इसीलिए यही चीज हम आपसे कहने जा रहे थे कि ऐसा नहीं कि हम एक प्रोसेस को कमांड दे रहे हैं तो और ओपन हो गया वो, तो खाली एक ही प्रोसेस, एक ही एप्लीकेशन स्टार्ट होता हो, उसी के साथ ही साथ पैरेलल में बैकग्राउंड में कई और प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाते हैं, क्लियर। यस। अब इसके बाद इसको देखिए, आज प्योरली थ्योरेटिकल टॉपिक है, आपको समझ के पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि केवल प्रोसेस ही नहीं स्टार्ट हो जाते हैं ड्यूरिंग द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। तो एक मेन एप्लीकेशन के साथ जो और प्रोसेस, देखिए मेन एप्लीकेशन जो स्टार्ट होता है वो तो हमको दिख जाएगा कि साहब हाँ एमएस वर्ड हमारा खुल गया, लेकिन उसके साथ बैकग्राउंड में कितने प्रोसेस स्टार्ट हुए उसका कोई एविडेंस नहीं होता या यूजर उसको नहीं देख पाता, ठीक। पहली चीज। अब आ जाइए दूसरी चीज कि ये तो हो गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम ये इनको स्टार्ट करता है, मैनेज करता है, साथ ही साथ ड्यूरिंग द रनिंग ऑफ द प्रोग्राम, ड्यूरिंग द रनिंग ऑफ द एप्लीकेशन अगर किसी भी तरह का इंटरप्ट आता है। अब आप पूछेंगे इंटरप्ट क्या होता है, ठीक। तो इंटरप्ट माने देखिए, आप सब लोग अगर सिंपल इंग्लिश मीनिंग, इसकी लिटरल मीनिंग लेंगे तो आपको मालूम है बाधा, व्यवधान, स्टॉप होना कोई चीज। तो यस, अगर इस एप्लीकेशन को रनिंग के दौरान सिस्टम जनरेटेड, यूजर जनरेटेड या किसी भी तरह से कोई इंटरप्ट आता है तो उस इंटरप्ट के कॉन्सिक्वेंस में, उस इंटरप्ट के आने के बाद क्या करना है ये काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है, क्लियर, ठीक है। और इंटरप्ट जो है आपके कई तरह के होते हैं, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट हो गया, हार्डवेयर इंटरप्ट हो गया, आगे जब कभी इंटरप्ट का चैप्टर आएगा तब उसको डील करेंगे डीप में, ठीक है। मास्केबल इंटरप्ट होते हैं, नॉन मास्केबल इंटरप्ट होते हैं, वो इंटरप्ट का जब हम लोग चैप्टर करेंगे तब। तो ये काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अच्छा, अब उसके बाद क्या होता है कि प्रोसेस, ये तो हो गया प्रोसेस मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है। इसके अलावा और भी कई चीज़ें हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस, जो भी चेंजेस होते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट होती है, जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है एप्लीकेशन प्रोग्राम को रन करने में, वो उन सारी चीज़ों का स्मूथ मैनेजमेंट वो करना भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ही हाथ में होता है, ठीक। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि जनरली ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हर प्रोसेस को, ऑपरेटिंग सिस्टम हर प्रोसेस को एक आईडी अलॉट कर देता है, क्योंकि तभी उसी आईडी से ही वो समझेगा कि
कि किस प्रोसेस के साथ क्या हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस मैनेजमेंट करता है ड्यूरिंग द रनिंग ऑफ द एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर इससे सेपरेट, देखिए बहुत ही वास्ट और बहुत ही डीप टॉपिक है, लेकिन आप लोगों के हिसाब से या बेसिक क्वेश्चंस के हिसाब से, ऑब्जेक्टिव टाइप कंपटीशन के हिसाब से जो कुछ पूछा जा सकता है वो हमने आपको यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर डिवाइस मैनेजमेंट के, प्रोसेस मैनेजमेंट के कोई पर्टिकुलर टॉपिक को आप, उस पर आपको लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करिएगा, तो मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पे जो है एक सेपरेट लेक्चर बना दूंगा। तो आई होप कि आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो अवेलेबल हो तुरंत आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू।